गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा आज की लेक्चर सीरीज में, जो कि जनरल अवेयरनेस की हमारी क्लास चल रही है। काफ़ी हमने मॉक टेस्ट जो पिछले मॉक टेस्ट भी और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी इस वीडियो में काफ़ी हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको अगर मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा आज के लेक्चर सीरीज में, जो कि जनरल अवेयरनेस की हमारी क्लास चल रही है। काफी हमने मॉक टेस्ट जो पिछले मॉक टेस्ट भी और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी इस सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर, थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किया। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें और लाइक करें। और फिर भी आपको कोई अगर डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो नेक्स्ट आप कमेंट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ डाउट है आपको, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं इंक्लूड करूँगी। तो आप सभी को गुड इवनिंग, आप जल्दी से मेरे साथ बनिए, कनेक्ट हो जाइए हम, ताकि हम अपनी क्लास आज की शुरू कर सके। तो सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से आइए। और फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप आते ही हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। उसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल शूटर फ्रॉम इंडिया टू रीच नंबर 1 इन द वर्ल्ड रैंकिंग बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इन 2014। आपको इसमें बताना है कि फर्स्ट फीमेल शूटर के बारे में आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो एक चैंपियनशिप हुई थी 2014 में, उसमें उनकी फर्स्ट रैंकिंग थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। जो हीना सिद्धु है, हीना सिद्धु फर्स्ट फीमेल शूटर थी जिन्होंने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और उनको गोल्ड मेडल इस चैंपियनशिप में उन्होंने भारत के लिए जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आंसर ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हीना सिद्धु ने फर्स्ट फीमेल शूटर थी और उनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कैटेगरी में वो है शामिल है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में वो शामिल है। और 2013 के अंदर उन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर वो बनी थी जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में फर्स्ट गोल्ड इंडिया के लिए जीता था। और 2014 में उनकी जो रैंकिंग थी वो रैंकिंग फर्स्ट थी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। आपको बताना है कि जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है विद एन एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। आपको बताना है कि इसका गठन कब किया गया था, कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में इसका गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब देखिए क्या होगा, 1928, ऑप्शन सी जो है 1928 में इसका गठन किया गया था। अगर आपसे इसके फाउंडर पूछे जाए एग्जाम में कि इसका गठन किसने किया था, तो 1928 में इसका गठन तीन लोगों ने मिलकर किया था, एक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था जिसको HSRA। 1921 में इसी पार्टी को HRA दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, 1928 में इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसके फाउंडर अगर आपसे पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने इसकी स्थापना की थी। तीनों नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और इनका रीजन क्यों था कि इस पार्टी को क्यों बनाया गया था, 19 मार्च 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, तो उन्होंने उसको चोरा चोरी जो हत्याकांड वहां पे हुआ था तो उसके चलते उन्होंने उसको वापस ले लिया था, तो उस वजह से ये लोग नाराज हो गए थे और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था और इन्होंने अपना एक अलग से क्रांतिकारी एक ग्रुप बनाया था अपना, जिसको बोलते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये इसका जो गठन हुआ था वो उसका रीजन था, क्योंकि महात्मा गांधी ने मार्च 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको वापस ले लिया था चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से, तो उन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया। ये इसका सही जवाब। तो कब इन्होंने निर्माण किया, 1928 के अंदर इन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान। आपको बताना है कि जो पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है वो कौन सा है, मतलब सबसे व्यस्त कौन सा पोर्ट है पाकिस्तान का, ये आपको बताना है। तो जो पाकिस्तान का कराची पोर्ट जो है, उसकी राजधानी के अंदर जो पोर्ट लोकेटेड है, कराची पोर्ट सबसे व्यस्त पोर्ट है पाकिस्तान का, तो ये इसका सही जवाब है। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि साउथ एशियन का, पूरे साउथ एशिया का सबसे लार्ज
लार्जेस्ट और सबसे व्यस्त पोर्ट ये है। और ये इसके बारे में फैक्ट्स है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बिजी पोर्ट कौन सा है, सबसे व्यस्त पोर्ट अगर इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाता है तो इंडिया का होगा पारादीप पोर्ट। जो पारादीप पोर्ट है वो इंडिया का सबसे बिजी पोर्ट है। कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ओडिशा जो हमारा है, ओडिशा के अंदर ये लोकेटेड है। तो ये इसके बारे में दोनों आपको याद रखने की, पाकिस्तान का ये क्वेश्चन आया हुआ है और अगर आपसे इंडिया का भी पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा है तो पारादीप आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म हाइबरनेशन। आपको बताना है कि जो हाइबरनेशन जो टर्म है उसका डेफिनेशन क्या है। देखिए जो सीरीज मेरी, जो क्लास मेरी चल रही है, उसका मोटिव ये है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं तो आपको इनके जितने भी ऑप्शंस है वो उससे रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए और आपको एक फील्ड पता लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेरा मोटिव है आपको ये क्वेश्चंस कराने का। तो आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, कॉमेंट कीजिए, आंसर्स आप मुझे दीजिए ताकि आपका अच्छे से रिविजन हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके पूरे कवर हो जाए और आपका एक अच्छा रिविजन भी इसके सहारे आपका हो सकता है। तो इसलिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, आंसर्स मुझे दीजिए ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कि जो टर्म आपको दी गई है हाइबरनेशन, हाइबरनेशन की परिभाषा आपसे पूछी गई है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हाइबरनेशन की डेफिनेशन होती है कि अ स्टेट ऑफ ये होती है कि अ स्टेट ऑफ रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर सीजन इन अमंग सम एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो बॉडी की जो एक्टिविटीज हमारी होती है, तो वो विंटर सीजन के अंदर सर्दी के मौसम में वो एक्टिविटीज वो करना बंद कर देते हैं और वो एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, डीप स्लीप, वो एक लंबी नींद में चले जाते हैं। ताकि क्यों ऐसा क्यों होता है, हाइबरनेशन ऐसा क्यों होता है कि वो एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, वो इसलिए होता है ताकि सर्दी के अंदर वो उनकी जो एनर्जी है बॉडी की वो खर्च ना हो, एनर्जी उनकी सेव रहे बॉडी में। और क्योंकि वो खाना बाहर से लेना नहीं चाहते सर्दी के टाइम में, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना नहीं चाहते हैं, तो वो एक ही जगह रहना चाहते हैं, उनके लिए उनकी बॉडी को बहुत सारे फूड की एनर्जी की जरूरत होगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी कि वो एक गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी की जो एनर्जी है वो एनर्जी खर्च नहीं होती, एनर्जी पूरी बनी रहती है उनकी। तो इसके लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं हाइबरनेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है कुछ एनिमल्स के अंदर वो विंटर के सीजन में वो कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। अब देखिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जितने भी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज हमारी है उन पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। वो SCGL के एग्जाम हो, HSSC या RRB के जो भी एग्जाम्स हैं उन पे टेस्ट सीरीज और कोर्सेज के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप एक नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, SSCGLPinnacle.com, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। और अगर आपको कोई इश्यूज है या कुछ क्यूरीज आपकी हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जांगो इज अ यूनिक कल्चरल कस्टम फॉलोड एज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। आपको ये बताना है कि आपको एक ये रिवाज दिया गया है, अनूठा एक सांस्कृतिक रिवाज है जांगो। आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट में ये कौन सी कंट्री में ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नेपाल के अंदर इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये कैसा एक सेलिब्रेशन होता है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, कि बर्थडे सेलिब्रेशन होता है कि आप एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच गए हैं, तो उसी टाइप का एक सेलिब्रेशन होता है जो नेपाल के अंदर मनाया जाता है। तो ये इसका सही जवाब होगा। और ये हिंदू और बुद्धिस्ट जो कम्युनिटीज हैं दोनों के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए हम लेंगे नेपाल, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, कि एज अ रिएक्शन टू रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट के लिए एक रिएक्शन था, वाज ऑर्गेनाइज्ड एज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। आपको ये बताना है कि रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में कौन से दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए जो हम 6 अप्रैल 1919 को नेशनल ह्यूमिलिएशन डे के तौर पे मनाया जाता है, राष्ट्रीय अपमान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है, कि जो रोलेट एक्ट था हमारा, रोलेट एक्ट में क्या हुआ था कि काफी आपको पता है उस टाइम पे जो क्रांतिकारी बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे भारत में फैल चुके थे, वो बहुत क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे।
भारत को आजाद कराने के लिए, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक तरीका अपनाया कि कैसे इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जाए, कैसे हम इनको दबा सकते हैं। तो उन्होंने एक कानून वो लेके आए, उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। उस एक्ट में क्या था कि किसी भी अगर उन्हें संदेह होता है, शक होता है किसी इंसान पे, तो बिना उस पर मुकदमा चलाए, बिना उस पर केस किए, उनको सीधा जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। तो इसके लिए गांधी जी ने एक सभा बुलाई थी ताकि उसका प्रोटेस्ट किया जा सके, उस एक्ट को रोका जा सके। और इसी दिवस को नेशनल ह्यूमिलिएशन डे हम बोलते हैं, राष्ट्रीय अपमान दिवस बोलते हैं। और ये कब आता है, 6 अप्रैल 1919 को ये डे आता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमो मैगसे अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। आपको ये बताना है कि सामुदायिक नेत्र में उनके योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये इसमें आपको बताना है। तो जो आचार्य विनोबा भावे जो थे वो पहले भारतीय ऐसे थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे इसका सही जवाब हो जाएगा। इनको अगर आपसे पूछा जाए कौन से फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया था, तो कम्युनिटी लीडरशिप में, सामुदायिक उन्होंने लीडरशिप के उसमें फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया था। और एक और अवार्ड दिया गया है जिन भारतीय को दिया गया है, जर्नलिज्म के फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में एक अवार्ड दिया गया है अमिताभ चौधरी को। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जर्नलिज्म के फील्ड में किसको अवार्ड दिया गया है, तो अमिताभ चौधरी को अवार्ड दिया गया है। और अगर आपसे कम्युनिटी लीडरशिप के रिलेशन में पूछते हैं तो आचार्य विनोबा भावे को अवार्ड दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज ऑन स्क्रीन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर। आपको ये बताना है कि जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का जो वर्णन करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द को आपको बताना है कि हम उसको क्या बोलते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड का यूज किया जाता है कि एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है कि अगर आप एंगल से किसी चीज का डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसका एंगल देख के आप उसका डिस्टेंस पता लगाते हैं ऑफ अ प्लेस नॉर्थ एंड साउथ। मैंने आपको बताया इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर एक काल्पनिक लाइन है जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ एक साउथ, दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड करती है हेमिस्फीयर में। तो जो ये लेंथ जो होती है, अगर आप इस लेंथ को मेजर करेंगे, इसके डिस्टेंस आप पता लगाएंगे कि नॉर्थ से साउथ के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उसको बोला जाता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया कि अर्थ का जो दो पार्ट में डिवाइड करती है इक्वेटर, उनके बीच में नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर के बीच में अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि ईस्ट से वेस्ट, आपको ये पता है ये नॉर्थ है ये साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है हमारा लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड क्या होता है हमारा, अगर नॉर्थ साउथ के बीच में अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम लैटिट्यूड का यूज करते हैं। पोल आपको पता है कि अर्थ के जो रोटेशन होती है अर्थ की, वो दो पॉइंट के बीच में उसका सरफेस अगर उससे मैच होता है, अगर उसको टच करता है, तो उनको हम पोल्स बोलते हैं। हमारे पास दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हेमिस्फीयर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कि जो इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो जो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है साउथ वाला पार्ट होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर, उसको हम बोलते हैं। चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई। आपको बताना है कि जो तितली का रूपांतरण होता है, जो बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, उसमें थर्ड स्टेज के बारे में आपको बताना है। तो इसकी जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है प्यूपा। प्यूपा इज द राइट आंसर। तो प्यूपा क्या होती है, देखिए जो लाइफ साइकिल जो होती है बटरफ्लाई की, उस लाइफ साइकिल में से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल क्या होती है, आपको पता है कि एक बटरफ्लाई होती है एडल्ट, वो एग लेज करती है, एग्स में से क्या एग जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें से प्यूपा की फॉर्मेशन होती है, प्यूपा के बाद अगेन वो दोबारा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होती है लाइफ साइकिल, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई की फर्स्ट स्टेज जो इसमें होती है वो होती है एग। जो एडल्ट जो बटरफ्लाई होती है वो एग ले करेगी, एग ले के बाद क्या आता है उसमें, सॉरी फर्स्ट होगी एडल्ट, एडल्ट के बाद वो एग लेज करेगी, थर्ड स्टेज उसमें जो आती है वो आती है प्यूपा। तो आपका क्वेश्चन यही था कि जो थर्ड स्टेज जो होती है बटरफ्लाई के रूपांतरण की, उसकी उसका नाम आपको यहाँ पे बताना था, तो उसका नाम क्या होगा, प्यूपा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स।
आपको ये बताना है कि अगर हम आर्थिक संदर्भ में अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर, आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर हम क्या लेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा कि गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ये इसका सही जवाब होगा। कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है अगर वो किसी इंडस्ट्रीज में, अगर कोई भी मान लीजिए एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि आपने कोई भी वस्तु खरीदी है, अगर आप खरीदने के बाद आपने मान लीजिए 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, अगर आप उसको दोबारा खरीदने के बाद बेच देते हैं तो कोई दूसरा इंसान उसको खरीदता है, तो दूसरे इंसान के पास जब वो आपकी बेची हुई चीज जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो रीसेल जब हम करते हैं किसी चीज को दोबारा से हम बेच देते हैं तो वो होती है रीसेल, और उस गुड्स को जो जिस सामान को हम बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स उसको कहा जाता है, या प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, या कोई भी आपके पास कोई एक वस्तु है अगर आप उसका यूज कर रहे हैं किसी दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, तो जो प्रोडक्शन वाली गुड्स जो होती है, जो आपने एक गुड से बनाई है, तो उस गुड्स को भी हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हम उनको कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स उनको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ बांग्लादेशी पार्लियामेंट, आपको ये बताना है कि जो बांग्लादेशी संसद है उसके अधिकतम सदस्यों की संख्या आपको बताना है कितनी होती है। तो इसका सही जवाब देखिए क्या होगा कि जो पार्लियामेंट होती है उसमें 350 इसका सही जवाब होगा, कि जो बांग्लादेशी संसद है उसमें अधिकतम सदस्य 350 उसमें सदस्य हो सकते हैं, 350 तो उसमें मेंबर होते हैं, जो 50 जो सीट्स होती हैं, जो 50 सीट्स होती हैं वो विमेन के लिए रिजर्व होती हैं, मतलब 50 सीट तो महिलाओं के रिजर्व है, बाकी जो 300 सीट बचती हैं उन पे कोई भी मेंबर इलेक्ट कर सकता है। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए, 350 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी प्रोविंसेस इन द कंट्री ऑफ नेपाल डिवाइडेड, आपको ये बताना है कि जो नेपाल जो कंट्री है उसके अंदर कितने प्रोविंस में उसको डिवाइड किया गया है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, 7 प्रोविंस के अंदर नेपाल को डिवाइड किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि नेपाल कौन से जो इंडियन स्टेट्स है जो नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं, तो 5 ऐसे इंडियन स्टेट है जो नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, इसके स्टेट्स जो है त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और असम, ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं। तो इसका ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 7 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि विच वर्ल्ड लीडर इज अवॉर्डेड द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द रशियन फेडरेशन इन द ईयर 2019, आपको ये बताना है कि कौन से विश्व नेता को वर्ष 2019 में जो सेंट एंड्रयू पुरस्कार है, जो रशिया का पुरस्कार है, वो किसको दिया गया है, कौन से लीडर को दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ये अवार्ड दिया गया है, ये रशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। और एक और अवार्ड उनको दिया गया है जो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनका भी एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है कि ऑर्डर ऑफ जायद, ये एक अवार्ड है, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। अगर इन दोनों अवार्ड से आपसे क्वेश्चन आता है तो इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, आपको बताना है कि इनमें से कौन से राजा ने जो नेपाल राज्य का संस्थापक उनको माना जाता है, नेपाल की स्थापना जिन्होंने की थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, जो पृथ्वी नारायण शाह है उन्होंने नेपाल राज्य की स्थापना की थी। तो ये इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह इसका सही आंसर। इन्होंने कब एस्टेब्लिशमेंट की थी, अगर एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछी जाए तो 1768 के अंदर नेपाल राज्य को, नेपाल कंट्री को बनाया गया था, एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी, पृथ्वी नारायण शाह ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि द टर्म पुट इज यूज्ड इन द स्पोर्ट, आपको बताना है कि जो शब्द है पुट, इसका प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है। तो इसका सही जवाब बताना है आपको, कौन से खेल से रिलेटेड ये टर्म है, तो इसका सही जवाब है हमारा गोल्फ। गोल्फ के अंदर हम इस टर्म को यूज करते हैं पुट। पुट का मतलब क्या होता है कि जब गोल्फ के अंदर बॉल को जब शॉट लगाते हैं
वो शॉट खेलते हैं तो उसको उसका जो दूसरा नाम है उसको पुट भी कहा जाता है। तो ये इसका सही जवाब होगा। ये जो टॉपिक है स्पोर्ट्स वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जितनी भी विनिंग ट्रॉफीज वगैरह होती हैं उनमें से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सा जो गेम है कौन सी विनिंग ट्रॉफी से रिलेटेड है। तो ट्रॉफीज आपको सारी याद होनी चाहिए कि कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेशन रखती है। तो हमारा क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा गोल्फ। गोल्फ इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कार्निवोरस। आपको बताना है कि कौन सा पौधा इनमें से मांसाहारी है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो एक कार्निवोरस प्लांट है। एक कार्निवोरस प्लांट है जो क्या करता है कि अपना जो फूड किसकी प्रोडक्शन होती है वो खुद से नहीं कर पाता, तो वो दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरे प्लांट्स को वो खाता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा कार्निवोरस प्लांट आपसे पूछा जाए तो वीनस फ्लाईट्रैप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ट्राइब ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कॉल्ड वजीरी डांस। आपको इनमें से बताना है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जनजाति है जो वजीरी नृत्य परफॉर्म करती है, तो उनका या उनका पारंपरिक नृत्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जो पश्तून प्रजाति वहां पे पाई जाती है, पश्तून प्रजाति जो वहां पे है पाकिस्तान में वो ये डांस परफॉर्म करती है वजीरी डांस। तो वजीरी डांस से अगर ये भी क्वेश्चन आए कि कौन से स्टेट का कौन सी कंट्री का ये फेमस डांस है, तो पाकिस्तान का ये डांस और कौन सी जनजाति का है, तो पश्तून जनजाति जो है उसका ये फेमस लोक नृत्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो पश्तून जो प्रजाति है ये पाकिस्तान में पाई जाती है, ये अलेक्जेंडर के टाइम से ये प्रजाति वहां पे रह रही है पाकिस्तान में, और ये बहुत ही प्रिमिटिव प्रजाति है, मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ पाया। आज भी जो इसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सेम वही है जो 19th सेंचुरी में जो 16th सेंचुरी में जो इसकी कंडीशन थी वो सेम उसकी सेम कंडीशन अभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है कि द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वॉज ऑर्गेनाइज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। आपको ये बताना है कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 के अंदर वो किसके साथ हुए अन्याय जो हुए थे विरोध में के रूप में आयोजित किया गया था। तो ये किसके खिलाफ ये आयोजित किया गया था अत्याचारों के, तो टर्की इसका सही जवाब हो जाएगा। टर्की के अंदर एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1920 के अंदर, ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1920 से 1924 तक ये मूवमेंट चला था। इसके अंदर ये किसके लिए था, मतलब ये इंडियन मुस्लिम्स जो वहाँ रह रहे थे तो उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और इस मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया था, इस मूवमेंट को इसलिए स्टार्ट किया था कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो। प्रेशर किस लिए क्रिएट हो कि वहाँ पर जो ओटोमन एम्पायर है उनके जो सुल्तान थे, जैसे हमारे मुगल एम्पायर होते हैं ऐसे ही तुर्की के अंदर एक एम्पायर था सबसे बड़ा ओटोमन एम्पायर उसको बोलते हैं, तो ओटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था वो चाहते थे कि जो वहाँ के मुस्लिम थे इंडियन मुस्लिम जो थे वो देगी इसके सुल्तान को कैलिफ ऑफ इस्लाम बना जाए। कैलिफ का क्या मतलब होता है कि जो पैगंबर जिसको बोलते हैं इस्लामिक भाषा में, पैगंबर बनाया जाए इस्लाम का। तो इसके लिए ये उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया गया था, 1920 में उन्होंने स्टार्ट किया गया था। और अगर लोकेशन आपसे पूछी जाए तो कहाँ पर उन्होंने शुरू किया था, तो टर्की के अंदर इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मैनी कैनाइन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव। आपको बताना है कि एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर कितने कैनाइन टीथ होते हैं, यह आपको इसमें बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा कि 4 कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब देखिए इससे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं ह्यूमन बींग में, तो 32 दांत ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें से हम उनको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, टीथ को चार पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक टीथ होता है टाइप इंसीजर टीथ होता है, एक होता है कैनाइन, एक होता है मोलर, एक होता है प्रीमोलर। इन कई क्लासिफिकेशन है टीथ का, इनके अंदर टीथ को क्लासिफाई किया गया है। तो इंसीजर के अंदर 8 नंबर आते हैं टीथ के, और कैनाइन के अंदर 4 आते हैं। जो मैंने आपको अभी आंसर में बताया कि कैनाइन टीथ जो होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग में, 4 प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ही अगर आपसे इंसीजर पूछा जाता क्वेश्चन में तो 8 होते हैं, और मोलर टीथ जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 12 मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं, प्री मोलर टीथ होते हैं 8। टोटल मिला के ह्यूमन बींग्स के अंदर 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अटल टिंकरिंग लैब्स इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। आपको ये बताना है कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स है वो कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा शुरू किए गए थे, ये आपको इसमें बताना है। तो जो
अटल टिंकरिंग लैब्स है वो हमारे नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। वो किसके लिए स्टार्ट किए गए थे कि जो यूथ हमारा है उसमें आपको पता है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो नॉलेज दी जाती है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम हमें देखने को मिलती है। तो प्रैक्टिकल ताकि जो हमारे यूथ है उसमें स्किल का डेवलपमेंट हो, रिसर्च के फील्ड में वो इन्वॉल्व हो और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते जो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दी जाए, इसके लिए इन्होंने इन लैब्स की शुरुआत की थी। नीति आयोग के द्वारा इन लैब्स की शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि अ ट्रेडिशनल बैटरी कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। आपको बताना है कि जो बैटरी हम देखते हैं हमारे ट्रेडिशनल बैटरी जो होती है उसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, कौन सा केमिकल उसमें प्रेजेंट होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे नॉर्मल बैटरीज के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा सही आंसर हो जाएगा। आजकल आपको ये बताना है कि जो कौन सी बैटरीज आई हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल बैटरीज को रिप्लेस किया है, तो लिथियम आयन बैटरीज अभी आई हैं, लिथियम आयन बैटरीज अभी आई हैं जिन्होंने इन ट्रेडिशनल बैटरीज को रिप्लेस कर दिया गया है। तो अगर आपसे रिप्लेसमेंट पूछी जाती है तो लिथियम इसका सही जवाब होगा, अगर आपसे केमिकल पूछा जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन विच ईयर वॉज द टर्म ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स कॉइन बाय द फोर्थ किंग ऑफ भूटान जिग्मे सिंगिये वांगचुक। आपको बताना है कि इनमें से ये बताना है कि आपको जो ये ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स था जो स्टार्ट किया गया था भूटान के किंग के द्वारा, कौन से किंग ने इसकी शुरुआत की थी कि जिग्मे सिंगिये वांगचुक इन्होंने इनकी शुरुआत की थी, और कौन से ईयर में इसकी शुरुआत की थी ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। 1972 के अंदर जो नेपाल के अंदर क्या हुआ था कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक रोल ऐड किया गया था कि एक स्टेट को एक रोल दिया गया था कि आपको ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स को ये आपको स्टेट में लागू करना ही करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनके मेंशन किया गया था इस चीज को। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ये किसी भी कंट्री में हैप्पीनेस का जो लेवल है वो क्या है उस लेवल को ये बताता है कि उसका कि हमारा जो हमारी जो सोसाइटी है उसका गोल क्या होना चाहिए कि हैप्पीनेस सोसाइटी में होनी चाहिए, उसके लिए एक इंडेक्स इन्होंने शामिल किया गया था कि इसको एक गोल ऑफ गवर्नमेंट कहा गया था कि गवर्नमेंट का एक एम है, एक गोल है क्या है कि हमारी सोसाइटी में हैप्पीनेस होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने इस इंडेक्स को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। 1972 में इस कॉन्स्टिट्यूशन की इसकी इंडेक्स की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मदर टेरेसा द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज बॉर्न ऑन। आपको बताना जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैं उनकी संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है। तो देखिए मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे इनकी लोकेशन पूछी जाती कि कहाँ की रहने वाली थी तो मैसेडोनिया की ये रहने वाली थी, और इनका जन्म कौन से ईयर में हुआ था 1910 में इनका जन्म हुआ था, और इनका एम क्या था, इन्होंने किसके फील्ड में काम किया। अगर आपसे ये पूछा जाए तो इन्होंने जो गरीब लोग थे या जो बीमार लोग थे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उनके लिए डिवोट कर दी थी। तो इसका सही जवाब हमारा क्वेश्चन था कि इनका बर्थ डेट हमें बतानी थी, तो 26 अगस्त 1910 में इनका जन्म हुआ था और कौन सी कंट्री से इनका संबंध है, तो मैसेडोनिया की रहने वाली थी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन 2018 एमनेस्टी इंटरनेशनल स्ट्रिप्ड ऑफ द एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड गिवन इन 2009। आपको ये बताना है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 2009 में दिए गए एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड को वापस ले लिया। किससे इन्होंने इस अवार्ड को वापस ले लिया ये आपको बताना है। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इन्होंने ह्यूमन राइट्स के फील्ड में एक अवार्ड दिया गया था, आंग सान सू की को एक अवार्ड दिया था, ये म्यांमार की लीडर है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2009 में इन्होंने वापस जो ये अवार्ड इन्होंने दिया था इन्होंने वापस उनसे ले लिया। ऐसा क्यों कि ऐसा क्या हुआ कि इनसे अवार्ड वापस लिया, ऐसा क्या रीजन था कि इन्होंने अवार्ड खुद ही दिया और खुद ही वापस लिया। तो देखिए जो रोहिंग्या मुस्लिम जो है म्यांमार में, आपको पता है कि रोहिंग्या मुस्लिम जो है उन्होंने इंडिया में वो आ गए हैं, तो उन्होंने काफी उनको प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं। तो इनका मेन रीजन ये था कि इन्होंने रोहिंग्या कहने को तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रही थी, लोगों के अधिकार के लिए लड़ रही थी, लेकिन जब इनके खुद के देश में जब रोहिंग्या मुस्लिम के अधिकार की बात आई तो इन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई एक्शन इन्होंने उन पर नहीं लिया। तो इसके लिए जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने अपने अवार्ड को वापस ले लिया। तो इसका सही जवाब होगा आंग सान सू की, इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि आपको नाम बताना है कि वॉज नॉट ओनली श्रीलंकन फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड।
आपको ये बताना है कि जो महिला है ना, ये केवल ये श्रीलंका की ही प्रथम महिला प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि ये वर्ल्ड की भी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो देखिए जो सिरीमाओ बंद्रा नाइक जो है, ये ऐसी एक विमेन थी जो श्रीलंका की भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, और अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वर्ल्ड की भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इनको माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए जो बच्चे हमसे अभी लास्ट में जुड़े हैं, जो अभी लास्ट में क्लास देख रहे हैं, उनके लिए एक ऑफर है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हमारे जितने भी कोर्स हैं और टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, उन पे 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है ये, और अगर आप एक कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं एग्जाम्स के लिए, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी जाएगी। अगर एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन विजिट हमारी आप वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आपको दिया गया है। तो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। कल इसी टाइम पे सेम इसी क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।